नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नक्सलियों के हमले में पुलिस विभाग के कर्मचारी शहीद तो होते हैं, लेकिन इस हमले में वाहन चालक भी शहीद हुआ। पुलिस की मदद करने के लिए उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। नक्सलवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो घटना जो है काफ़ी मार्मिक घटना है, क्योंकि इसमें 15 शहीद जवान हो चुके हैं। 366 बटालियन के 15 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें कई जवानों की तो ऐसी स्थिति है कि जिनकी पत्नियां 4 महीने की गर्भवती है, किसी के बच्चे 2 साल के हैं, किसी के माँ बाप बूढ़े हैं, किसी की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसे कई जवान जो थे जिनकी बहुत ही घर की माली स्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। अब जैसे आइए हम आपको दिखाते हैं, यह जो घटना में जो दादू करके जो ड्राइवर था उसके परिवार वालों के पास हम आपको ले चलते हैं। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राणा प्रताप वार्ड में, जो कि कुरखेड़ा के तहसील के शहर का वार्ड है। जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ, यह जगह बहुत ही सेंसिटिव और इनके साथ जो घटना घटी है वो एक मार्मिक घटना है। और इस घटना का मैं स्पेशली इस जगह आने का मेरा मकसद ये था, हमारे भी चैनल पर या दूसरे भी चैनल पर एक ही बात दिखाई गई जिसमें 15 जवान शहीद हुए। दरअसल 15 जवानों के साथ में दादू नाम का जो वाहन चालक था, जो कि इस कुरखेड़ा में दिलफेक अदाओं के लिए जाना जाता था, जो कि हर किसी की मदद के लिए दौड़ कर आता था, यानी अगर उसको किसी ने मदद मांगी, कहीं उसको छोड़ना है या किसी ने बोला कि भाई मेरा यह काम करा दो, तो वो उसका काम वो बहुत ही गंभीरता से करता था। और ऐसी ही शख्सियत के साथ हमारी सरकार ने 15 जवान शहीद का डिक्लेरेशन किया, घोषणा की, जबकि वाहन चालक को पकड़कर 16 लोग उस घटना में शहीद हुए थे। तो आइए हम दादू के बारे में उनके पापा से थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से क्या मदद मिली है और उनको किस तरीके से ये घटना की जानकारी मिली। 1 मई के दिन, महाराष्ट्र दिन के दिन, ये घटना को अंजाम दिया था नक्सलवादियों ने। तो सबसे पहले मैं अभी जानना चाहूँगा भगवत केशवराव सिंहनाथ करके, जो उनके पापा है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, दादू के बारे में बताएँगे। नमस्कार जी। नमस्कार। दर्शकों को बताइए कि दादू कैसे, यानी कैसा व्यक्ति, महत्व उसका कैसा था? दादू ये बहुत ही मन मिलाव लड़का था और थोड़ा उसका जो नेचर था, तो वो किसी का भी काम के लिए वो ना कभी बोलता था। घर के काम, अपने माँ के काम, कोई भी काम रहे वो बड़े इससे करता था, और जिसके पास में वो ड्यूटी पे था वो भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाकी वो 8 दिन पहले अपने मिसेस को बोला था, क्या बोले, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं अपने घर के गाड़ी चलाऊँगा या तो फिर कोई भी काम करूँगा। तो उसके घर वाले ने पूछी उसको, क्या बोले, क्यों? तो नहीं, बोले मेरे को पुलिस वाले के इससे छोड़ना पड़ रहा है ये ड्यूटी, क्योंकि वो बार बार मेरी गाड़ी लेके जाते हैं और मेरे को बार बार उनके साथ में जाना पड़ता है, एक आध दिन कुछ हो जाएगा, ऐसा उसने 8 दिन पहले अपने मिसेज को बोला था। पुलिस वाले का फ़ोन आया कि भाई हमको पुराडा छोड़ दो, तो इसने बोला, बोलते कि मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाए बराबर आ रहा हूँ और छोड़ देता हूँ। देखा आपने, पुलिस वालों की मदद करना, दादू को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब हम दादू की जो माता जी हैं, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दादू कौन सी क्लास में पढ़ा था, कहाँ तक के उसका एजुकेशन हुआ था, और दादू का बचपने का और अब तक के का सफ़र कैसा था, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। दादू बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ा था और बचपन से बहुत अच्छा था वो, सब इसमें क्राफ्ट डी एड करता, फायर ब्रिगेड, ITR, टेक्निकल सब पढ़ा था वो, और कौन सा भी काम करता था अच्छा, किसी भी काम को दौड़ता था वो, और किसी की मदद भी करता था वो, और सवेरे आके खाना वाना खाया उसने, उसको पूछी तो मेरे को पूछा, मैं बरात को जाता हूँ बोले, अब मैंने बोली अभी खाना खा के जा ले जा बाबू बोली, तो हाँ बोले, मैं जाता हूँ बोले, जल्दी आता हूँ बोल रहा था, और फिर खाना खाया तो उसके मिसेस ने पूछा तो वही बोल रहा था मेरे को, क्या बोले, उसने बताई मिसेस ने, बोले पुलिस का फ़ोन आया तो बोले अभी गए बोले, फिर उसके बाद में मेरे को वो दिखा च नहीं, आया च नहीं घर को।
दादू बोल कर गया था माता को, अपनी माँ को, कि मैं घर आऊँगा, लेकिन दादू 1 तारीख को घर नहीं आया है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे उनकी जो धर्म पत्नी है वंदना तोमेश्वर सिंगनाथ, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो कि अभी उध्वस्त हो चुकी है, तो हम उनसे थोड़ी सी उस बारे में चर्चा करेंगे कि उनको उन्होंने उस दिन क्या कहा था। क्या बोले थे आपको उन्होंने? सकाळी गाडी नेऊन ठेवले मार्केटमध्ये, नंतर 10:30 जेवण कराले, घरी आले, जेवण वगैरे करताना पोलिसाचा फोन आला का आम्हाला सोडून द्या म्हणून, वापस यायचं आहे म्हणून, तेवढंच बोलले। देखिए किस तरीके से एक परिवार एक घर ते करता धरता के जाने से बिखर जाता है। आज हम इस जगह इस परिवार का दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें इतनी सांत्वना जरूर दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन उनकी इस बातों को सुनकर जागे और दादू के साथ हुए ये जो घटना घटी है उसका कहीं ना कहीं इन्हें मुआवजा और उनको कुछ न कुछ सहानुभूति सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। हमने जब इस परिवार से दादू के बारे में, तोमेश्वर के बारे में जब हमने जानकारी ली, तो हमने कहा कि भाई आप सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, सरकार ने आपको क्या मदद करनी चाहिए, तो उस बारे में उनके जो पिताजी है और उनकी माताजी है और उनकी जो धर्म पत्नी है उनका क्या कहना है ये हम अभी जानते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार की तरफ से, मैं कोई ज़्यादा मांग नहीं करूँगा। मेरे को यही चाहिए कि मेरे लड़के को जो पुलिस के काम में जो शहीद हो गया और उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और दूसरा क्या जो पुलिस को इन लोगों ने मदद की कर रहे वो मदद मेरे लड़के को मिलने को होना। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री साहब से। मैंने उस दिन भी बात किया गढ़चिरौली में, तो मुख्यमंत्री साहब ने भी बोले मेरे को क्या हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एसपी साहब से भी बात किया मैंने इसके बारे में, उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिए कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज भी मेरे को थाने से उनका मैसेज आया था और मैं गया था थाने में, उन्होंने कागजात मंगाए हैं मेरे से कि हम वो काम के लिए कागजात मांग रहे, तो मैं कागजात ले जा के दिया उनको। कुछ कागजात कम है तो वो कागजात मैं कल संडे को उनको ले जा के दूँगा। सरकार से इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार से काफ़ी छोटी उम्मीदें हैं इस परिवार की। सरकार का ध्यान आकर्षित हो इस घटना से और ऐसी भविष्य में ना घटना घटे, ताकि कई ऐसे जो परिवार होते हैं जो बिखर जाते हैं ये ना हो, यही हम सरकार से गुहार करते हैं। मैं MNS न्यूज़ लाइव के लिए निशांत भाई। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।